Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to my channel and welcome back to another video. अच्छा जी, ये है हमारा ड्रेस नंबर वन। सबसे पहले मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने मुझे इस ब्रांड का नाम तो नहीं याद, मैंने ये सेपरेट शर्ट ली थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने शर्ट की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इसका गला, बॉट शेप में मैंने बनवाया था, और ये जो है शर्ट के साथ जो पीस होता है ना साइड से उतरवा के, ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे जो समोसियाँ आप कह सकते हैं ये वाली लगवाई हैं गले पर, ठीक है। इस तरह से सारे गले पर लगवा दिए, और यहाँ पर एक है बटन, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर भी रह सकते हैं। ये गला ना बहुत छोटा बनवाया मैंने, बॉट शेप में बनवाया, बहुत डीप नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो है ये टसल्स, यहाँ पे पट्टी लगवाई है, ठीक है। ये आप देख लें, पट्टी लगवा के ये वाले जो है कॉन्स, ये वाली लेस लगवा ली यहाँ पे इसके दोनों साइडों पे, ठीक है। और इसके बाद ये वाले टसल्स जो है ये मैंने बॉर्डर उतरवा के यहाँ पे लगवा के इसके ऊपर टसल्स लगवा लिए। और ये वाले तीन जो है ये मैंने इस तरह से मुझे शॉप से बने बनाए मिल गए थे, ये मैंने यहाँ पे लगवा दिए, ठीक है। और बाकी ये जो इसके चॉक्स हैं ये बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। फ्लोरल सा है इसका प्रिंट, बहुत ही प्यारा एलिगेंट सा लगता है। ये तकरीबन कॉटन, ये आप कह सकते हैं कॉटन स्टफ में है, ठीक है। और ये जो इसका बॉर्डर है ये देखें, बॉर्डर भी बहुत प्यारा है, बॉर्डर को भी मैंने ऐसे करके इस तरह से लगवाया है, यहाँ पे भी कॉन्स वाली लेस और नीचे भी, ठीक है। और ये है इसके बाजू, मैंने बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं रखवाए, बहुत मीडियम भी नहीं, नॉर्मल बाजू हैं, ठीक है। स्लीव्स पे भी मैंने जैसे बॉर्डर पे लगवाया था वैसे ही स्लीव्स पे ये बॉर्डर लगवा के इसके दोनों साइड्स पे ये लेस लगवा लिए, ठीक है। ये है इसकी फ्रंट लुक, आप इसकी पूरी डिटेल देख लें। चलें जी, अब मैं इसकी आपको बैक इसकी शेयर करती हूँ, बैक दिखाती हूँ, बैक का डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। अच्छा ये है जी इसकी बैक, बैक पे मैंने जो है ये वाला इस तरह से लगवा के थोड़ा सा होल लगवा के रखवा के, जैसे बच्चों की जो है पट्टी वगैरह रखवाते ना पीछे, उस तरह से बैक गला बनवाया। यहाँ पे एक जो है ये बटन लगवा दिया, ठीक है। और बाकी जो बैक है ये सारी, अच्छा इसकी जो बाकी बैक है वो सारी बिल्कुल प्लेन है, प्रिंटेड थी, ये साइडों पे दोनों साइड्स पे बॉर्डर आ रहे हैं, इसलिए बाकी बैक पे कुछ भी नहीं करवाया। बस बैक पे जो है ये वाला जैसे फ्रंट पे बॉर्डर था वैसे ही बैक पे ये वाला बॉर्डर लगवा के इस तरह से लेस लगवा लिए, ठीक है। ये इसकी बैक, बहुत ही प्यारा ड्रेस है, आई लाइक इट, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसका ट्राउज़र आपके साथ शेयर करती हूँ, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग। अच्छा ये है जी इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र जो है ये मैंने हाथ से लिया था, स्टिच लिया था, ठीक है। इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये जो है ये बहुत छोटी छोटी सी लेस लगी हुई है, यहाँ पे ये लंबे वाले जो हैं बड़े प्लेट्स लगे हुए हैं, प्लेट्स डलवाए हैं, और उसके बाद ये जो है ये वाली लेस लगवाई है, पार्टीशन लेस जो होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत एलिगेंट लगता है, इसके साथ सूट करता है, बहुत ज़्यादा पहना हुआ अच्छा लगता है। तो ये इसका जो है वो ट्राउज़र है, और दुपट्टा भी मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। अच्छा इसका जो दुपट्टा ना ये मैंने डबल शेड में डाई करवाया था, और इसको ये वाली लेस लगवा ली है गोटी वाली, ठीक है। ये बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, दो शेड्स आ रहे थे शर्ट में, इसलिए फिर मैंने दोनों शेड्स में जो है दुपट्टा डाई करवा लिया था, ठीक है। अच्छा ये हमारा सेकंड ड्रेस, ये मैंने फ्रॉक स्टिच करवाई है, ठीक है। फ्रॉक बहुत खुले वाले फ्लेयर्स में नहीं बनवाई, बस नॉर्मल सी इसकी जो है वो मैंने खुलाई बनवाई थी। इसका जो गला ये मैंने बॉट शेप में बनवाया, थोड़ा सा आगे लग रहा है इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इसका गला मैंने रखवाया है, सिंपल बिल्कुल प्लेन, क्योंकि इस शर्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स है, फ्लोरिस है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर कोई काम वगैरह नहीं करवाया, ठीक है। वैसे भी सर्दियों में जो है विंटर में आपको ज़्यादा बहुत फैंसी या इस तरह के लुक देने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एलिगेंट से ड्रेस अच्छे लगते हैं। अच्छा इसकी जो फ्रॉक है इसकी शेप आप देख रहे हैं, ये इस साइड पे मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे कलियाँ डलवाई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलियाँ डलवाई हैं, एक इस साइड पे और ऐसे ही दूसरी इस साइड पे है, ठीक है। ये देखें, शायद आपको नजर आ रही होगी ये वाली कली, ये वाली, ये इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ से एंड तक ये वाली कली है, और दरमियान वाला जो पैनल है ना ये वाला बिल्कुल प्लेन है, ये वाला हिस्सा अलग है, और साइडों पे दो पैनल डलवाए हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी, इसकी जो टोटल खुलाई है ना वो इतनी है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली इसकी टोटल खुलाई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसमें आप बहुत स्लिम से नज़र आते हैं, बंदा बहुत बल्कि सा नहीं दिखता, ठीक है। और जो इसके नीचे है वो वाली मैंने ये वाली लेस लगवाई है, इसके नीचे किनारी वाली छोटी छोटी सी लेस लगवाई है, ये बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और नीचे जो है ये ट्राउज़र के साथ की ये वाली फोल्डिंग करवा के गुम लेस लगवाई है, इससे ना बहुत अच्छा सा आपको एक रेडी टू वेयर स्टिच ड्रेस लगता है, ठीक है, ये वाला है। और इसके स्लीव्स भी मैं दिखा देती हूँ, इसके स्लीव्स भी बिल्कुल प्लेन है, स्लीव्स पे बस ये वाली छोटी सी लेस लगवाई है, और अंदर जो है वो ट्राउज़र के साथ का इन्होंने कपड़ा लगा के गुम लेस लगवा दी है, ठीक है। ये है इसकी सेकंड वाले ड्रेस की फ्रॉक, ठीक है। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। अच्छा ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र जो है ये मैंने बिल्कुल प्लेन रखवाया है,
इस पे मैंने कोई भी लेस वगैरह कोई काम नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट ट्राउजर है इसका, ठीक है। ये देख लें ऊपर से नीचे तक इसकी बिल्कुल सेम इसकी जो है वो चुड़ाई आ रही, बहुत ज़बरदस्त ये लगता है। ज़्यादा मैंने खुला नहीं बनवाया इसके साथ। और जो दुपट्टा है, दुपट्टा जो है ये पिक्चर में ना इस वीडियो में बहुत इसका लाइट शेड में आ रहा है, लेकिन लाइट शेड में नहीं है, बिल्कुल इसके साथ का कलर है, ठीक है। तस्वीर में शायद थोड़ा लाइट आ रहा है। इसमें भी मैंने ये वाली लेस लगवाई है, बहुत अच्छी लग रही थी, चारों साइड्स पे मैंने जो है ये वाली लेस लगवाई। दुपट्टा इसके साथ मैंने बारीक इसलिए लिया है क्योंकि आपने सर्दियों में जो जर्सी वगैरह पहनी होती है, स्वेटर्स या कोट वगैरह पहने होते हैं, इसलिए बहुत हैवी या भारी दुपट्टे ना मेरे से कैरी नहीं होते, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए फिर मैंने ना लाइट वेट ही दुपट्टे ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। चलते हैं जी अब अपने ड्रेस नंबर 3 की तरफ। अच्छा ये है जी मेरा ड्रेस नंबर 3, ठीक है। ड्रेस नंबर 3 जो है ये मैंने ओपन गाउन स्टिच करवाया, नीचे इसके ये इस वाली कलर की शर्ट है प्लेन बिल्कुल, ठीक है। ये देख लें ये बहुत अच्छा सा स्टफ है, ये गर्म स्टफ में है, ठीक है। ये शर्ट नीचे मैंने स्टिच करवाई है बिल्कुल प्लेन, और इसके ऊपर ये वाला गाउन है, ठीक है। शर्ट के जो स्लीव्स है वो भी मैं आपको शर्ट की पहले डिटेल बताती हूँ, उसके बाद जो है वो आपको गाउन की डिटेल में बताती हूँ ये मैंने कैसे स्टिच करवाया है। अच्छा जो इसकी शर्ट है ना ये मैंने ये चौरस इसका गला बनवा के सिंपल बिल्कुल, और इसके ये वाले इसके जो है ये स्लीव्स बनवाए हैं इस हाफ, ठीक है। इसके ऊपर गाउन आता है, गाउन में आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये गाउन की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो है ना ये वाला इसका बैक गला है, ये वाला गाउन का, ठीक है। ये बैक गला है और ये वाला जो है ये सारा इसका फ्रंट है। फ्रंट पे जो है ना ये वाली पट्टी लगाई हुई है पाइपिंग करके, ये एंड तक ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ये एंड तक, ये देखिए आप ये एंड तक ये वाली है, और इसके बाद नीचे से भी इसकी फुल गुलाई में जाके यहाँ से ऊपर तक सारा जा रही है। ये बिल्कुल ओपन है यहाँ से लेके एंड तक, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना शर्ट से तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये देखें शर्ट जो है हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इसके जो गाउन की लेंथ है वो ज़्यादा यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आपने अपनी लेंथ के हिसाब से इसको देख लेना आपने इसको कितना करना है, ठीक है। ये आई होप आपको गाउन की डिटेल जो है वो समझ लगी होगी। ये इस तरह से बनवाया ये वाला सारा फ्लोरल सा कपड़ा था, इसको फिर मैंने गाउन स्टिच करवा लिया। ये बहुत अच्छा लगता है आपको, सर्दियों में आप पहन सकते हैं, गर्मी वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये इसका गला है। ये सारा जो है गाउन इस तरह से है, ठीक है। आई होप आपको समझ लगे हो इसकी। अच्छा इसकी ना खुलाई काफ़ी ज़्यादा है, ये तंग नहीं है, बंद नहीं होता, काफ़ी खुला सा है। अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स जो है इसके मैंने बिल्कुल प्लेन इस तरह से रखवाए हैं, ठीक है, क्वार्टर रखवाए हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, ज़्यादा खुले भी नहीं है, ज़्यादा तंग भी नहीं है। स्लीव्स पे मैंने जो है ना वो ये वाली लेस लगवाई है, ये देखें इतनी प्यारी, ये इसमें स्टार से हैं थोड़े, स्तारी शायद इसको कहते हैं, ठीक है। ये वाली लेस लगवाई है, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये लेस है बस ये। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा ये है जी इसका ट्राउज़र। ट्राउज़र जो है ये मैंने पैंट ट्राउज़र स्टिच करवाया है, बिल्कुल स्ट्रेट करवाया है, ज़्यादा खुला नहीं कराया, क्योंकि ये गाउन है, गाउन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर मैं ट्राउज़र जो है वो भी खुला करवा लेती तो वो ज़्यादा सूट नहीं करना था, इसलिए मैंने जो है ट्राउज़र ये थोड़ा सा स्ट्रेट स्टिच करवाया, ठीक है। ये देखें इसका ये वाला पांचा रखवाया है और ये वाला इसका ट्राउज़र है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बस ये है। और जो दुपट्टा है वो ग्रीन कलर में बिल्कुल प्लेन है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये वाला जो है ये इसका मैंने दुपट्टा लिया, दुपट्टा जो है, अच्छा दुपट्टा जो है ना ये बिल्कुल मैंने बारीक कपड़े में लिया, ठीक है, ये बारीक दुपट्टा लिया, और इसकी जो है साइड्स पे ये वाली चारों साइडों पे ये वाली जो है ये पाइपिंग मिलती है ऐसी बनी बनाई, ठीक है, ये वाली पाइपिंग लगवा ली। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए ये इसके साथ लिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये है जी इसकी फाइनल लुक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।